हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़ा सा कंटूरिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कंटूरिंग लाइंस वो लाइन होती हैं जिनके जॉइनिंग पॉइंट का एलिवेशन सेम होता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक हमारे पास हिल है, ये कलरफुल हिल। अब हम इसके लिए कंटूर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो आपका जो फर्स्ट लेयर है रेड वाली, ये एक वाइट पेपर पे, मान लीजिए वाइट पेपर और ग्राउंड मान लीजिए। ग्राउंड पे हमने पॉइंट्स लिए, उनका एलिवेशन लिया और उन सबको हमने जॉइन कर दिया। ये हमने पॉइंट्स लिए एलिवेशन ग्राउंड पर, इन सबको ज्वाइन कर दिया। इन सभी पॉइंट का सेम एलिवेशन है, ठीक है। अब हम ऊपर चढ़े और हमने जो ग्रीन वाली लेयर का बेस है, ग्रीन वाली लेयर का जो बेस है, यहाँ पे हमने दोबारा इंस्ट्रूमेंट रखा और इस सेम एलिवेशन पे ग्रीन स्ट्रिप के नीचे ब्लॉक पे हमने सारे पॉइंट्स ले लिए। जैसे कि हम स्ट्रिप को हटा देते हैं रेड वाली को और यहाँ रखते हैं। फिर हमने इसी तरीके से पॉइंट ले लिए सेम एलिवेशन के, उन सब पॉइंटों को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर हम ऊपर चढ़े और हम पहुँचे ग्रीन लेयर के टॉप पर। अब हमने वहाँ पे जाके पॉइंट ले लिए सेम एलिवेशन के। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और सेम पॉइंट के पॉइंट्स ले लेते हैं और इनको ज्वाइन कर देते हैं। और फिर हम पहुँचे ब्लू लेयर के टॉप पे और वहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही पॉइंट्स ले लिए। तो देखिए, जब हम किसी हिल का कंटूरिंग ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारे इस हिल की कंटूरिंग हो गई। आप इधर देख रहे हो, इधर कंटूरिंग लाइन में स्पेस कम है और इधर ज़्यादा है। इसका मतलब आप इसमें भी देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो स्टीप है और यहाँ पे कम स्टीप है। तो स्लोप जहाँ पे स्टीप होगा वहाँ पे हमारी कंटूरिंग लाइन पर स्पेसिंग कम आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये देख सकते हो आप, ये कंटूरिंग लाइन है हमारी हिल की। कंटूरिंग लाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, बट एक कंडीशन है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी, जब हमारा कोई ओवरहैंग क्लिफ हो। तो देखिए, ये हमारा माउंटेन है जिस पे आप देख सकते हैं एक ओवरहैंग क्लिफ है, यहाँ क्लिफ है यहाँ पे। और जब हम इसका ड्रॉ करेंगे कंटूरिंग तो क्या होता है, चेक करते हैं। सेम प्रोसीजर, लेयर बाय लेयर हम हटाते जाएंगे, सेम पॉइंट को ज्वाइनिंग करते जाएंगे। इसको हटाया हमने, फिर यहाँ पे ले लिया ये। बहुत रफली हो रहा है, बस समझाने के लिए है। ये देखिए, अभी तक हमारा कंटूर ऐसा बन चुका है।
लेकिन जब हम लास्ट लेयर के कंटूरिंग लेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे। और जब हम इसका सेम पॉइंट का लेके पॉइंट्स को ऐड करेंगे, जॉइन करेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा। देख सकते हैं जब हम क्लिफ का हमने कंटूरिंग की, पॉइंट्स लिए सेम एलिवेशन के और उनको जॉइन किया, तो क्लिफ की कंटूरिंग लाइन दूसरी कंटूरिंग लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही एक वो कंडीशन है जहाँ हमारी कंट्रोल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है।